अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा 8th क्लास का सेकंड टर्म का पहला लेक्चर है। इंग्लिश ए पढ़ाऊंगी मैं आपको। आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक किया था और चैप्टर नंबर 5 को हमने स्किप किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है क्लावर मिर्चू। इसकी सबसे पहले हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज पर लिखने हैं और साथ साथ इनको याद करना है। और रीडिंग के दौरान जो मुश्किल वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, आपने साथ साथ उनके मीनिंग्स भी लिखते जाना है। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 39 है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज, और तमाम के तमाम लड़के थे। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर, लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत गरीब थे। दैट एट टाइम्स दे डिड नॉट नो, और उन वक्तों में वो नहीं जानते थे। वेयर टू गेट मनी, के वो रकम कहाँ से हासिल करें। टू बाय फूड, खुराक खरीदने के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, उनके बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे थे। दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंगरी, और इसी वजह से वो खुद को हमेशा भूखा महसूस करते थे। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, हाउ एवर, ताहम, वॉज द वन हु कॉज्ड हिज पेरेंट्स द एटमोस्ट एंग्जाइटी। सबसे छोटा बेटा अपने वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट ही डिड नॉट ईट मच, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वॉज, लेकिन इसी वजह से, बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल, के वो बहुत छोटा था। Indeed, दर हकीकत, when he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of paper, वो मिर्च के साइज़ के बराबर का था। And that was why, और इसी वजह से he was named मिर्चू, उसका नाम मिर्चू रखा गया। Once it happened, एक दफ़ा, that there was no rain, के बारिशें ना हुई for months, कई महीनों से, on the end आखिर तक। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस, एक बहुत बड़ा कहत फैल गया द लैंड, ज़मीन पर। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग, और लकड़हारे के पास जल्दी नहीं था कुछ। टू गेव टू हिज फैमिली, अपने ख़ानदान को देने के लिए। ऑल द सेविंग्स वर गॉन, तमाम जमा पूंजी या बचत जा चुकी थी। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू ईट, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वी कैन नो लॉन्गर फीड आर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को अब और नहीं खिला सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया। वन नाइट, एक रात, एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हार्ट, खाली चूल्हे के पास वो जब एक रात बैठे हुए थे। एम्प्टी हार्ट, खाली चूल्हे के पास। वैन द बॉयज गेट अप इन द मॉर्निंग, जब लड़के सुबह उठेंगे। फॉर देयर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, या हमें उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा। माई डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, यहाँ पर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हमें उन्हें जंगल की तरफ ले जाना चाहिए। एंड लीव दैम देयर, और उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स देम, हो सकता है कुछ कोई गरीब आदमी उन्हें तलाश कर ले। एंड टेक्स देम होम, और उन्हें अपने घर ले जाए। आई एम श्योर दैट, मुझे यकीन है, ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, के वो उन्हें या उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। द वुड कट द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी रोती रही। शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो टू हियर दिस, जब उसने ये सुना तो वो गम से भर गई। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज द नाइट वोर ऑन, रात गुजरती चली गई, वोर ऑन गुजरती चली गई। शी एग्री टू हर हजबेंड्स प्लान, वो अपने शोहर के इरादे से मुत्तफिक हो गई। एग्रीड, मुत्तफिक होना। आफ्टर ऑल, इनके बाद, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख सकेगी। डाई ऑफ हंगर, भूख से मरते हुए।
शी थॉट एंड थॉट, वो सोचती ही चली गई या उसने सोचा और सोचा। बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई और इरादा उसके दिमाग में ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 children इंस्टेड ऑफ 7, के उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, के वो उनकी तरबियत और परवरिश बहुत अच्छे से करती और उन्हें अच्छे से परवान चढ़ाती। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब उसकी वाइफ और जब लकड़हारे की बीवी और लकड़हारे के दरमियान तल्ख कलामी बढ़ गई, दे रेस्ड देयर वॉइसिस, तो उनकी आवाज़ें ऊंची होती चली गईं। द लिटल मिर्सू हियर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड। द लिटल मिर्सू छोटे मिर्सू ने हियर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, वो तमाम सुना जो उन्होंने कहा। बिट ऑफ अ लिटल, यानी कि बहुत थोड़ा, यानी जितना भी उन्होंने कहा। Unlike his brothers, अपने भाइयों की तरह, he was not asleep, वो सोया नहीं था। For a long time, लंबे वक्त के लिए, he lay thinking, वो लेटा सोचता रहा। What would be the best thing to do, के करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है। As soon as it was twilight, हत्ता के सुबह का धुंधलका छाने लगा। He got up quickly, वो तेज़ी से उठा। And creep out of the cottage, और झोंपड़ी से खिसक गया। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भाग गया। ही फिल्ड हिज पॉकेट, उसने अपनी जेबें भर ली। देयर, यहाँ पर, विद स्मॉल वाइट स्टोन, छोटे सफेद पत्थरों के साथ। देन ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो तेज़ी से भागकर घर वापस आ गया। एंड वॉज इन बेड, और बिस्तर पर दोबारा अगेन लेट गया, या बिस्तर पर दोबारा आ गया। ऑल क्वाइट, खामोशी से। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट स्लीप, और तेज़ी से शो करवाने लगा कि वो सो रहा है, या इस तरह उसने जाहिर करवाया कि वो सो रहा है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम तमाम जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम तमाम को अपने बाप के साथ लकड़ियां जमा करने में मदद ज़रूर करनी है। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, इसलिए क्योंकि खाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। द बॉयज वर सो एक्साइटेड, लड़के बहुत पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, और वो जल्द ही मुकम्मल तौर पर अपनी भूख के बारे में भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे, और उस रास्ते की तरफ चल गए, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। विद देयर फादर लीडिंग, अपने बाप की रहनुमाई में। द फॉरेस्ट वॉज डार्क, जंगल जो है उसमें अंधेरा था। एंड लोनसम, और वो तन्हा था। बट द वुड कटर न्यू, लेकिन लकड़हारा जानता था एवरी बिट ऑफ इट, उसका एक छोटा सा भी रास्ता वेल, अच्छी तरह से। दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और जल्द ही वो जंगल के तारीख तरीन हिस्से में पहुंच के। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे दरख्तों को काट कर गिराता जाऊंगा, सेट द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट, और तुम तमाम लड़कों को जमा करनी है। ऑल द ब्रांचेस, तमाम टहनियाँ, एंड टाई देम, और उन्हें बांध देना है। इन टू स्मॉल बंडल्स, छोटे बंडल्स में। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये बहुत मेहनत का काम हो सकता है। विद दैट, इसके साथ ही, कट द ट्रीज, उसने दरख्तों को काटना शुरू किया। विद हिज एक्स, अपने कल्हाड़े के साथ। एंड सेट हिज 7 sons टू वर्क, और अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया। व्हाइल द बॉयज वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, फिर लड़के जितनी लकड़ियां इकट्ठी कर सकते थे वो करने में मसरूफ़ होंगे। द वुड कटर नॉडेड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया। एंड सर हिलाया, इशारा किया टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को। एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, और उनमें से वो दोनों चुपके से खिसक गए। स्नीक्ड अवे, चुपके से खिसक जाना। द बॉयज फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों ने थोड़ी देर के लिए खौफ महसूस किया। शडर, खौफ महसूस करना। दे बिगेन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और अपने बाप को बुलाना शुरू कर दिया। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम, के हो सकता है वो उनके साथ कोई तरकीब खेल रहा हो। व्हेन हाउएवर,
जब ता हम ही डिड नॉट अपीयर वो जाहिर ना हुए फॉर क्वाइट सम टाइम कुछ वक्त के लिए दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड वो बहुत खौफ महसूस करने लगे दर हकीकत एंड बिगेन टू क्राई बिटरली और चीखो पुकार से रोने लगे देन द क्लावर मिर्चू सेट फिर छोटे क्लावर मिर्चू ने कहा डोंट वरी बॉयज परेशान मत हो लड़कों आई नो द वे होम मैं घर का रास्ता जानता हूँ ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ वाइट स्टोन्स हम तमाम को इस छोटे पत्थरों की रहनुमाई में चलना है यानी कि इसका पीछा करना है फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम बाप अब नहीं आने वाला मिर्चूज ब्रदर्स हाउ एवर डाउटेड बट ही सैड मिर्चू के भाइयों ने ताहम उस पर शक किया जो उसने कहा डाउटेड शक करना एट दिस ही रिपीटेड वट देयर फादर हैड सैड द नाइट बिफोर एंड टोल्ड दैम हाउ ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट्स एट दैट उसी लम्हे ही रिपीटेड उसने वो दोहराया वट देयर फादर हैड सैड जो उसके बाप ने कहा दैट नाइट उस रात को बिफोर पहले एंड टोल्ड दैम और उन्हें बताया How he had filled his pockets कि किस तरह उसने अपनी जेबें भरी with white stones फैद पत्थरों के साथ and dropped them और गिराता चला गया उन्हें one by one एक एक करके on the way रास्ते पर So Mirchu led his brother through the deepest forest and along the winding paths until they reached the cottage So Mirchu led his brothers Mirchu ने अपने भाइयों की रहनुमाई की through the deepest forest deep forest घरे जंगल के ज़रिए एंड अलोंग द वाइंडिंग पाथ्स और ना हमवार रस्तों के ज़रिए अनटिल दे रीच द कॉटेज जब तक वो झोंपड़ी में ना पहुँच गए परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम हो सकता है कि हमारा वेलकम या हमें खुश आमदीद ना कहा जाए मिर्चू सेड सॉफ्टली मिर्चू ने आहिस्ता आवाज़ में कहा लेट अस वेट आउटसाइड आओ थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करते हैं द कॉटेज झोंपड़ी के फायर अवाइल कुछ देर के लिए एंड सी और देखते हैं इफ़ वी कैन हीयर अगर हम सुन सकते हैं व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट के माँ और बाप किस बारे में बात कर रहे हैं व्हेन द वुड कटर एंड हिज वाइफ जब लकड़हारा और उसकी बीवी अराइव्ड होम अर्ली घर की तरफ जल्दी आ गए दैट डे उस दिन दे हैड फाउंड उन्होंने पाया 10 silver coins 10 सिक्के चांदी के वेटिंग फॉर देम उनका इंतज़ार कर रहे थे दिस वॉज इन पेमेंट ये अदायगी थी ऑफ अ डेबिट एक कर्ज की दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगेटन अबाउट जिसे बहुत देर पहले वो भूल चुके थे एट द साइट ऑफ सो मच मनी एक तरफ इतनी ज़्यादा रकम देख कर द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी बट व्हेन शी रिमेम्बर्ड लेकिन जब उसने याद किया दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज अगेन कि वो अपने लड़कों को दोबारा नहीं देख सकेगी ऑल हर जॉय वैनिश्ड उसकी तमाम खुशी गायब हो गई एंड शी बिगेन टू सोब और वो सिसकियाँ भर के रोने लगी What use was that money to her now? ये रकम अब उसके किस इस्तेमाल की है She thought, उसने सोचा My sons, मेरे बच्चे My poor little sons, मेरे प्यारे छोटे बच्चे She exclaimed sorrowfully. उसने गम से दावा किया What would I not give to have you safely back home? मैंने उन्हें क्या नहीं दिया कि वो घर बाहिफाजत वापस आ सकें परहैप्स बाय नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाय वुल्व्स हो सकता है कि उन्हें अब तक किसी कुछ भेड़ियों ने खा लिया हो दिस वॉज ऑल मिर्चू वॉन्टेड टू हियर ये तमाम जो मिर्चू सुनना चाहता था ही पुश द डोर ओपन उसने दरवाज़ा धकेला खोलने के लिए एंड रैन टू हिज मदर और अपनी माँ की तरफ भाग गया हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू उसके भाइयों ने भी उसका पीछा किया डोंट क्राई मदर मत रो माँ वी आर ऑल हेयर हम तमाम यहाँ हैं ऑल सेफ तमाम महफूज हैं एंड साउंड और बखैरियत तो आफियत से हैं व्हाट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज क्या ही खुशी का सामान था वुड कट लकड़हारे की झोंपड़ी में दैट नाइट उस रात एंड व्हाट अ फीस्ट और क्या शानदार खाना था दे ऑल हैड एज दैट सेट अराउंड द टेबल और वो तमाम एक मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हुए थे द वुड कटर लकड़हारा हिज वाइफ उसकी बीवी एंड देयर 7 sons और उनके तमाम 7 बच्चे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे वेल डन शाबाश लिटिल मिर्चू छोटे मिर्चू स्टूडेंट्स अब मैं आपको वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाऊँगी वर्ड्स मीनिंग हम बोर्ड पर करेंगे
स्टूडेंट्स वर्ड्स मीनिंग देखिएगा, पहला वर्ड है आपके पास एंग्जाइटी। उर्दू में भी मीनिंग बता रही हूँ और आपकी कॉपीज पर उर्दू में भी लिखने हैं। एंग्जाइटी, परेशानी, वरी, ये उर्दू मीनिंग और ये आपका इंग्लिश मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन एंड, किनारे पर, एट आ स्ट्रेच। ऑन एंड, किनारे पर, एट आ स्ट्रेच। लोनसम, अकेला, लॉनली। बिफोर लॉन्ग, जल्द ही, अर्ली। वॉर ऑन, गुजरती गई, पास, ग्रेजुअली। ट्विलाइट, सुबह का धुंधला, फेन। स्नीक, चुपके से खिसक जाना, टू गो अवे क्वाइटली। ट्रायल, पगडंडी, ट्रेल, पगडंडी, द लाइन। वैनिश, गायब, डिसअपीयर। सोप, सिस्कियां भरना, टू क्राई नॉइसली। पीस, थाट की दावत, आ स्प्लेंडेड मील। फैमिन, कहर, एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ फूड। हर्थ, चूल्हा या आग्निस्थान। अ ब्रिक और स्टोन टू अ फायर प्लेस और ओवन। नोटेड, सर हिलाना, टू मूव द हेड अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे सर हिलाना। शटर, कपकपाना या खौफ से कपकपाना, टू शेक विथ फियर। डेबिट, कर्ज, अ सम ऑफ मनी और टू सम बॉडी, वो रकम जो किसी से उधार ली गई हो। अब मैं आपको वर्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी। स्टूडेंट्स वर्ड सेंटेंसेस देखिएगा। एंग्जाइटी, मिर्चू गेव एट मोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स। मिर्चू ने सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को परेशान कर रखा था। ऑन एंड, किनारे पर, दे आर स्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ द रिवर, वो दरिया के किनारे पर खड़े हैं। बिफोर लॉन्ग, ही गोना किल मी बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जल्द ही, वो जल्द ही मुझे कत्ल करने वाला है। उसके बाद है लॉनसम, अकेला। ही वॉज लॉनसम फॉर हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान के लिए अकेला है। वॉर ऑन, गुजरती गई, दे वॉर, या यहाँ पे वॉर ऑन गुजरती गई का मतलब नहीं आएगा, यहाँ पे वॉर ऑन बनेगा वेयर की सेकेंड फॉर्म। दे वॉर, उन्होंने पहना ब्लू यूनिफॉर्म एंड लिटल कैप्स, उन्होंने नीला यूनिफॉर्म और छोटी टोपियाँ पहनी। उसके बाद है ट्वी लाइट, सुबह का धुंधलका, द सन सेट, सूरज गुरूब हो गया, एंड ट्वी लाइट फेल, और धुंधलका छाने लगा। स्नीक, चुपके से खिसक जाना, दे ट्राइड टू स्नीक इनटू द मूवी विदाउट पेइंग, वो मूवी के दरमियान में ऐसे ही खिसक गए ताकि वो अदायगी, रकम की अदायगी ना कर सके। ट्रेल, द गर्ल्स टेडी बियर ट्रेल बिहाइंड हर, लड़की का टेडी बियर उसके किनारे पर या पगडंडी पर या साइड पर पड़ा है। वैनिश, गायब हो जाना, डायनासोर्स वैनिश फ्रॉम द अर्थ, डायनासोर ज़मीन से गायब हो चुके हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले। सोप, सिस्कियाँ भरना, शी कुड नॉट स्टॉप सोपिंग, वो सिस्कियाँ भरते हुए खुद को रोक ना सकी। फीस्ट, शानदार दावत, द वुड कटर हैड ग्रेट फीस्ट, लकड़हारे के घर शानदार दावत थी, इन हिज कॉटेज, उसकी झोंपड़ी में। आफ्टर रिटर्न हिज चिल्ड्रन, जब उसके बच्चे वापस आ गए। फैमिन, कहर, देयर वॉज अ ग्रेट फैमिन इन रोम, रोम में इस बार बहुत कहर पड़ा। हार्ट, चूल्हा या आतिशदान। दे स्वेप्ट द एशेस, उन्होंने राख साफ की फ्रॉम द हार्थ, चूल्हे से। नोडेड, सर हिलाना, शी नोडेड, उसने सर हिलाया। व्हेन आई आस्क हर, जब मैंने उससे पूछा, इफ शी वॉज रेडी, क्या। शडर, ही शडर्ड एज अ प्लेन फ्लू ओवरहेड, वो कपकपाना शुरू हो गया जब जहाज ऊपर से गुजरा। डेबिट, ही इज डीप इन डेबिट, वो बहुत गहराई तक कर्ज में डूबा हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाए हैं और साथ हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन किया है, तो वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज़ पर उतारने हैं। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।